अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रीट फूड सेक्शन। मैं वलीद इस्लाम आप लोगों की खिदमत में एक और नई स्ट्रीट फूड वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और स्ट्रीट फूड की तलाश में मैं आ गया हूँ कराची के बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलकश इलाके, जहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीट फूड की शॉप्स मौजूद हैं खारा दर में। और खारा दर में आने का आज मेरा मेन मकसद था लावा पिज़्ज़ा ट्राई करना, चिली ड्राई फ्राई का। जो मेरे पीछे शॉप आप देख रहे हैं चिली ड्राई फ्राई, ये अपने लावा पिज़्ज़ा के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है और पूरे कराची में इनकी धूम मची हुई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चल के मैं भी इनका लावा पिज़्ज़ा ट्राई करूं और अपने व्यूवर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। लावा पिज़्ज़ा के साथ साथ हम इनकी पिज़्ज़ा फ्राइज़ भी ट्राई करेंगे और आप लोगों के साथ लावा पिज़्ज़ा बनने का पूरा प्रोसीजर भी शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी स्ट्रीट फूड की वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर करा करें, हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमारी वीडियोस लोगों तक अच्छी तरह पहुंच रही हैं और लोगों को पसंद भी आ रही हैं। उम्मीद है कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। चलिए वीडियो का मुकम्मल आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या प्रोसीजर है लावा पिज़्ज़ा बनने का और कैसा है टेस्ट में और कैसा है जायके में। तो चलिए वीडियो को आगाज़ करते हैं, लेट्स गो। तो ये हमारे फैज़ान भाई हैं, चिली ड्राई फ्राई के ओनर भी हैं ये, और ये बना रहे हैं हमारा लावा पिज़्ज़ा। सबसे पहले इन्होंने जो है पीटा ब्रेड रखी है, उस पर दो सॉसेस डालें जिसमें इनका एक ये सीक्रेट सॉस और मायो है। देखने में ये बहुत ही लजीज लग रहा है। आप इनकी स्पीड देख सकते हैं काम करने की, क्योंकि काफ़ी रश है इनकी शॉप पर, जिसकी वजह से ये इतनी स्पीड में काम कर रहे हैं। हमारे साथ साथ अपने कस्टमर्स का भी ऑर्डर प्रिपेयर कर रही हैं। स्पीड देखें आप, यू कैन सी दी स्पीड। ये चीज़ है श्रेडेड, इन्होंने चिकन डाला है, जलेपिनो डाली है, कैप्सिकम डाला है, और ये ऊपर से फिर पीटा ब्रेड रख रहे हैं फैजान भाई। जी जी, आप देख सकते हैं कुछ ज़बरदस्त ही बनने वाला है। और ये इनका सीक्रेट सॉस है। बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ से ही सारा जो है इनका लावा पिज़्ज़ा जो है वो फ्लेवर देगा और मज़ा भी देगा। टेस्ट सारा जो है इनकी चीज़ उठाती है, श्रेडेड चीज़ है, और ये इन्होंने ऊपर से चिली फ्लेक्स फेंके, बहुत ही ज़बरदस्त। ओहो, ये क्या चीज़ है फैज़ान भाई, फ्लेवर है, अच्छा। ओहो, तो अब ये हमारे लावा पिज़्ज़ा जो इन्होंने प्रिपेयर करे हैं वो जा रहे हैं ओवन में। फैज़ान भाई कितनी देर के लिए जाएंगे ये ओवन में? पाँच मिनट में प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो तो लावा पिज़्ज़ा हमारा हो गया है रेडी। ये एक एक करके फैज़ान भाई निकाल रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी थोड़ा क्लोज व्यू, बहुत ही ज़बरदस्त। सो वी आर बैक। मैंने आपको लावा पिज़्ज़ा बनने का पूरा प्रोसीजर भी दिखाया। पिज़्ज़ा फ्राइज़ का प्रोसीजर मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि इससे पहले मैं काफ़ी बार पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनते हुए अपने चैनल पे दिखा चुका हूँ। लावा पिज़्ज़ा मेरे लिए एक यूनिक चीज़ थी, तो मैंने इसलिए उसकी रेसिपी तो शेयर नहीं की लेकिन तरीक़ेकार बता दिया। दोनों चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं। बहुत ही फेमस शॉप है चिली ड्राई फ्राई मेन खारादर मार्केट में। आप लोग गूगल मैप करेंगे तो आपको शॉप भी इजीली मिल जाएगी। और अब चलें, हम चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि लावा पिज़्ज़ा बनते हुए जब मैंने देखा तो मज़ा आ गया मुझे कि यार ये कुछ यूनिक चीज़ है। तो इसलिए सबसे पहले मैं इनका लावा पिज़्ज़ा ट्राई करूँगा, उसके बाद पिज़्ज़ा फ्राइज मैं आपको दिखा भी दूँ। ये इनका लावा पिज़्ज़ा है, आप देखें ऊपर से कितनी ज़बरदस्त चीज़ की टॉपिंग हुई हुई है। कुछ इन्होंने फ्लेवर डाले अपने, कुछ चिली फ्लेक्स डाले। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, सबसे पहले इनका लावा पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं। सो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू करते हैं। ये देखें आप कितना चीज़ी है ये, इसको खाएंगे कैसे मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा। बहुत गर्म है, चीज़ से भरा हुआ है। ओहो, ये कुछ ज़्यादा ही गर्म लग रहा है मुझे। मैं इसको नीचे रख के बहुत आराम से उठाऊँगा। इन्होंने बहुत फ्रेश और गरम दिया है। वाह, बहुत ज़्यादा गरम है। ओ हो, यू कैन सी द चीज़, यू कैन सी द स्मोक, क्या फ्लेवर होगा इसमें। सो बिस्मिल्लाह करके ट्राई करते हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मैं ये खा पाऊँगा।
क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म है ना कि मेरे हाथ जल रहे हैं। खैर बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए होए, चीज़ और इनका जो सीक्रेट सॉस है उसका फ्लेवर जो पीटा ब्रेड के साथ मिल रहा है ना, यकीन माने बहुत आला, बहुत ही आला। पीटा ब्रेड माइक्रोवेव में ओवन में जाने के बाद देखें कितनी सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट, ये देखें। और चीज़ भी इस पर इतनी ज़्यादा इन्होंने टॉपिंग करी हुई है ना, मुझे लग रहा है 4-5 किलो वज़न तो बढ़ ही जाएगा मेरा इस महीने में। चिली फ्लेक्स है इस पर, इन्होंने ऊपर से कुछ अपना एक फ़्लेवर डाला था, फ्लेवर वाला मसाला। हाथ थोड़े मेरे गंदे हो गए लेकिन खैर है, स्ट्रीट फूड इंजॉय करने का यही मज़ा है। जब तक आपके हाथ अच्छी तरह से गंदे ना हो जाएं, गंदे से मुराद जो आपने खाया वो लग ना जाए। खैर रिकॉर्ड निवाला लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकी चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी की है, इसमें इन्होंने चिकन डाला है, अपना सीक्रेट सॉस डाला है, मायो डाला है और कुछ वेजिटेबल्स डाली थी जिसमें कैप्सिकम थी, आइसबर्ग था और ऑलिव्स थे। यार आपको मैं दिखाऊं तो पहले कि चीज़ की आप टॉपिंग देखें, अंदर भी चीज़ भरी हुई है। ये पिज़्ज़ा ब्रेड नहीं है, पीटा ब्रेड है, बल्कि इन्होंने कुछ अलग सा यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए आप कितना स्मोकी है, कितना फ्लेवरफुल लग रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को देख के भूख ज़रूर लग रही होगी। ओए 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 ओए, इस चीज़ को कैसे खाऊं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूसी और फ्लेवरफुल, मेरे हाथ बहुत बुरी तरह गंदे हो गए हैं, थोड़े हाथों को साफ़ कर लूँ क्योंकि अभी मुझे पिज़्ज़ा फ्राइज़ भी ट्राई करनी है। अगर मैं इसको रेटिंग दूँ तो मैं 10 out of 10 दूँगा इनके लावा पिज़्ज़ा को। सिर्फ़ और सिर्फ ये फ्लेवर में ही नहीं, बहुत अच्छे टेक्सचर में बना हुआ है जिसकी वजह से इसकी ब्रेड भी सॉफ्ट हो गई है, चिकन में बहुत अच्छा फ्लेवर है, इनकी जो चीज़ है वो भी बहुत अच्छी है। इससे पहले कि मेरे पिज़्ज़ा फ्राइज़ ठंडे हो जाएँ मैं ये भी ट्राई कर लूँ। और बहुत मेहनत से मुझे लग रहा है इन्होंने मेरे लिए बनाए, और इन्होंने कहा था कि आप ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे पिज़्ज़ा फ्राइज़। मैं आया सिर्फ इनका लावा पिज़्ज़ा ट्राई करने था, लेकिन पिज़्ज़ा फ्राइज़ तो आपको पता है फिर लव है। मैंने बहुत जगह वीडियोज़ इसकी बनाई है, आप देख सकते हैं। ये देखें चीज़, देखें यार चीज़ की टॉपिंग चेक करें आप। ओए ओए दादा, चीज़ की टॉपिंग चेक करें। ओए 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 ओए, बिस्मिल्लाह करके अब ये भी ट्राई करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आउट क्लास, बहुत ही आउट क्लास। अच्छा इनकी चीज़ के साथ साथ जो इनका जो सीक्रेट सॉस है ना वो भी बहुत ही मज़ेदार मुझे लग रहा है। कुछ इन्होंने कुछ सीक्रेट सॉस की रेसिपी मुझे बताई नहीं, क्योंकि मैं अब आपको दिखाऊं। देखें सिर्फ इसमें सीक्रेट सॉस लगा हुआ है और इनके कुछ स्पाइसेस हैं। मैं इसको ट्राई करूं चीज़ के बिना कैसा लग रहा है। बेहतरीन, अगर मैं कराची के सबसे बेहतरीन पिज़्ज़ा फ्राइज़ में रैंकिंग करूँगा तो ये मेरा टॉप ऑफ द लिस्ट होगा, चिली ट्राई फ्राई का पिज़्ज़ा फ्राइज़ और लावा पिज़्ज़ा। लावा पिज़्ज़ा तो आई डोंट थिंक कि कोई और बना भी रहा है, अगर कोई बना रहा है चिली ट्राई फ्राई के अलावा लावा पिज़्ज़ा तो मुझे टैग करें या कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उनका भी जाके ट्राई करूँ। ये देखें आप चीज़ देखें, और ये चीज़ जमी नहीं है अभी, ये बहुत स्मोकी, धुएँदार, गर्म और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। मज़ा आ गया यार, बहुत आला। ये देखें चीज़ भी ट्राई करते हैं, इनकी चीज़ कैसी है। बहुत ज़बरदस्त, दोनों ही चीज़ें इनकी चीज़, दोनों ही डिशेस, लावा पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा फ्राइज टॉप ऑफ द रैंकिंग अगर कराची में दूँ तो दोनों चीज़ें जाएंगी टॉप ऑफ द लिस्ट। बहुत ही लजीज, जायकेदार। फैज़ान भाई जो ऑनर हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार हैं, उन्होंने मुझे बहुत इजीली बनाने दी दोनों चीज़ों की वीडियोस, और कहा आप ट्राई करें, बैठें भले शूट भी करें। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा, काफ़ी दिन बाद मैंने फ्राइज़ की तरफ रिव्यू की तरफ आया हूँ, फ्राइज़ के रिव्यू की तरफ।
और बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ आजकल, तो लाइक ज़रूर करा करें वीडियोज़ को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सकें। और अगर पिज़्ज़ा फ्राइज़ ट्राई करना चाहते हैं तो खारादर आपको आना पड़ेगा, अर रहमान बिरयानी से थोड़ा आगे 2 से 3 मिनट की ड्राइव है। गूगल मैप करेंगे तो गूगल मैप पे इनकी शॉप मिल जाएगी, डिलीवरी भी है, मैं नंबर भी इनका डाल दूंगा। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें और फेसबुक पर भी हमारा पेज लाइक करें। फिर मिलते हैं नई आने वाली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।